सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। इस बुलेटिन विच आपां गल करांगे अज दीआं मुख खास खबरां बारे। वीडियो नूं दोस्तों अंत तक जरूर देखना तां कि तुहानूं सारी जानकारी मिल सके। शुरुआत करदे हां जी अज दीआं मुख खबरां दे नाल। कर्मचारियों नूं रैगूलर करन दा मामला, नवां कानून बनाउण लई कमेटी गठित। पंजाब दी कैप्टन सरकार अकाली भाजपा सरकार द्वारा ठेके एडहॉक आउटसोर्स कर्मचारियों दीआं सेवावां पक्कियां करन लई पास कीते एक्ट 2016 नूं वापस लैण जा रही है। सरकार वल्लों इस दी जगह नवां कानून बनाउण लई पंज मंत्रियों दी कमेटी बना दित्ती गई है, जो इस एक्ट नूं वापस लैण लई अते कर्मचारियों नूं राहत देण लई नवां कानून बनाएगी। अदालत विच वी इस संबंधी केस चल रहा है। नवनियुक्त गठित कमेटी विच मंत्री ब्रह्म महिंद्रा, मनप्रीत सिंह बादल, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा ते चरणजीत सिंह चन्नी नूं शामिल कीता गया है। अगली खबर दोस्तों, श्री हरिमंदर साहब दे सरोवर च डुब्या व्यक्ति। सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे सरोवर च इलाची बेरी वाली साइड ते छबील दे सामने एक नौजवान दे डुब्बण दी खबर मिली है। सूत्रां मुताबक अज 3 बजे जद उक्त व्यक्ति कपड़िया समेत तैरन लगा तां संभल ना सकन कारण सरोवर च डुब गया। श्री हरिमंदर साहब दे मैनेजर अनुसार उक्त व्यक्ति दी उम्र करीब 40 साल है ते पुलिस प्रशासन ने इस नौजवान की उम्र 25 तो 30 साल दे होने बारे अनुमान लगाया है। पूरा पता व्यक्ति दे मिलन ते ही लग सकता है, क्योंकि उसने कपड़िया समेत सरोवर विच डुबकी लगाउण दी कोशिश कीती, इसलिए वह कित्थों दा है यह कोई सबूत नहीं मिल पाया। दोपहर तो ही श्री हरिमंदर साहब के बचाव दस्तियां वल्लों उक्त व्यक्ति की भाल करन दी कोशिश कीती जा रही है, पर हजे तक व्यक्ति का कुछ पता नहीं लग सकिया। अगली खबर दोस्तों, कलयुगी पुत ने प्यो नूं गला घुट के मारिया। घरेलू विवाद के चलते बीती रात एक कलयुगी पुत वल्लों अपने सुते हुए प्यो का गला घुट के मार देन का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार चरणजीत सिंह वासी पिंड साधां वाला ने अपने पिता गुरमुख सिंह नूं देर रात गला घुट के मौत दे घाट उतार दिता। इस उपरंत उसने अपने आप नूं पिंड गोलेवाला दी पुलिस चौंकी च जाके पुलिस हवाले कर दिता। इसकी पुष्टि करदिआं चौंकी इंचार्ज रविंदर कौर बराड़ ने दस्सिआ कि दोषी खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अगली कार्रवाई जारी है। अगली खबर दोस्तों, दूजे सूबिआं तों आउण वाले यात्रियों लई ई रजिस्ट्रेशन जरूरी। डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने दस्सिआ कि पंजाब सरकार दे दिशा निर्देशां ते कोविड-19 दे मद्देनज़र एहतियात वजों दूजे सूबिआं तों आउण वाले सारे यात्रियों लई ई रजिस्ट्रेशन दी प्रक्रिया नूं जरूरी कर दित्ता गया है। इस लई जिले विच हिमाचल प्रदेश दे बॉर्डर नाल लगण वाले 5 स्थानां ते बॉर्डर चैक पोस्टां बणा के पुलिस समेत सिविल दे अधिकारी अते होर अधिकारियां अते कर्मचारियों नूं तैनात कर दिता गया है। ई रजिस्ट्रेशन अते मैडिकल स्क्रीनिंग तो बाद ही उन्हां दे जिले विच एंट्री करवाई जा रही है। उन्हां कहा कि सरकार दे दिशा निर्देशां मुताबक यात्री अपने घर तों ही आराम नाल लॉकडाउन समय रजिस्टर करवा के अपने लिए दिक्कत रहित यात्रा यकीनी बना सकते हैं। अपनीत रियात ने दस्सिया कि जिला प्रशासन वालों पहला ही मिशन फतेह तहत दूजे सूबे तो आने वाले व्यक्तियों को खुद को होम क्वारंटाइन करके इसकी जानकारी जिला कंट्रोल रूम को देने संबंधी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, ताकि उनके सैंपलों की जाँच करवाई जा सके। उन्हें कहा कि जिला पद्धरी कंट्रोल रूम पूरा हफ्ता सवेरे 9 बजे तो शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। उन्हें दस्या कि जिला माल अफसर श्री अमलपाल सिंह इस कंट्रोल रूम के नोडल अफसर हैं। यह कंट्रोल रूम कमरा नंबर 204 जिला प्रबंधकी कंपलैक्स विखे स्थित किया गया है। उन्हें कहा कि दूजे सूबे तो आने वाले हर व्यक्ति लिए जरूरी है कि वह होम क्वारंटाइन होकर जिला पद्धरी कंट्रोल रूम नंबर 01882240412 ते संपर्क करके अपने बारे जानकारी देवे। अगली खबर दोस्तों, पंजाब विच कोरोना वायरस के कुल केसां की गिनती हुई 6749, मौतां 175। पंजाब विच कोरोना के मामले लगातार तेजी नाल वध रहे हैं। बीते दिन सूबे विचों 258 नवे कोरोना के केसां की पुष्टि हुई है, जिस करके कुल मामलों की गिनती वध के 6749 हो गई। उत्थे ही 60 होर कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 6 कोरोना पीड़ित ने दम तोड़िया है।
पंजाब दी सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय वालों जारी किए अंकड़े अनुसार मंगलवार शाम 5 बजे तक लुधियाना तो 78, अमृतसर तो 8, जलंधर तो 16, संगरूर तो 43, पटियाला तो 43, मोहाली तो 3, गुरदासपुर तो 2, पठानकोट तो 5, हुशियारपुर तो 1, नवांशहर तो 26, फतेहगढ़ साहब तो 3, मोगा तो 14, रोपड़ तो 3, फरीदकोट तो 1, कपूरथला तो 7, फिरोजपुर तो 3, बठिंडा तो 2 नवे कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। उत्थे ही संगरूर विच 27, मोहाली विच 5, गुरदासपुर विच 17, पठानकोट विच 4, हुशियारपुर विच 1, मुक्तसर साहब विच 1 अते कपूरथला विच 5 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, जिस करके सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल गिनती 4554 हो गई है। जबकि अमृतसर, गुरदासपुर, संगरूर, मोहाली, लुधियाना ते फतेहगढ़ साहब विच एक एक कोरोना पीड़ित की मौत हुई है ते मृतकों का कुल अंकड़ा 175 तक पहुँच गया है। सूबे विच इस वेले 2020 एक्टिव केस हैं। अगली खबर दोस्तों ब्राज़ील तो, जिथों के राष्ट्रपति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है ते देश च हालत भी गंभीर है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बोलसोनारो की सोमवार कोरोना जांच की गई सी, फेफड़ों का एक्सरे कराने मगरों उन्हां दी जांच की गई। राष्ट्रपति ने कोरोना लक्षणों बारे पहला कोई जानकारी नहीं दी, हालांकि उन्हां राष्ट्रपति दफ्तर च एक बयान च कहा सी कि जांच रिपोर्ट मंगलवार को आएगी। इस तो पहला खुद को तंदुरुस्त दसते रहे सन। ब्राज़ील च कोरोना वायरस पूरी रफ्तार नाल पैर पसार रहा है। हुण तक देश च 10.5 लाख तो ज़्यादा मामले आ चुके हैं ते 65,000 लोगों की जान जा चुकी है। अगली खबर दोस्तों, राजे की जाली वसीयत तैयार करने के दोषों तहत 23 व्यक्तियों खिलाफ परचा दर्ज। सिटी पुलिस फरीदकोट वालों फरीदकोट के आखिरी राजा हरिंदर सिंह बराड़ की लड़की राजकुमारी अमृत कौर की शिकायत के आधार पर वर्धमान स्टेट के राजा जयचंद मेहताब, नगर सुधार ट्रस्ट फरीदकोट के चेयरमैन ललित मोहन गुप्ता, सबका जज जतिंद्रपाल सिंह बैनीवाल समेत 23 व्यक्तियों खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया है। महाराजा हरिंदर सिंह की लड़की ने दोष लाया है कि उसके पिता की मानसिक सेहत ठीक नहीं सी। इस गल का फायदा उठा के उसकी जाली वसीयत तैयार करके हजारा करोड़ की शाही जायदाद को हड़प्पण की कोशिश की गई है। अगली खबर दोस्तों, सड़क किनारे अणपछाते व्यक्ति की कतल हुई लाश बरामद। थाना सुभानपुर अधीन पेंदे पिंड विजोला रंधावा सड़क तो अज सवेरे अणपछाते व्यक्ति की लाश मिलने नाल इलाके विच दहशत का माहौल बन गया। मौके तो प्राप्त जानकारी अनुसार पिंड विजोला तो रंधावा नूं जांदी सड़क ते एक 35 साल के करीब उम्र के व्यक्ति की कट्टी वड्डी लाश बरामद हुई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना सुभानपुर के SHO हरमेल सिंह पुलिस पार्टी समेत घटना स्थान पर पहुंचे और DSP जतिंद्रजीत सिंह भी घटना स्थान पर पहुंचे और लाश कब्जे में लेके अगली कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। अगली खबर दोस्तों, जिला फरीदकोट तो जिथे 8 कोरोना के मामले सामने आए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रजिंदर कुमार ने दसिया कि अज 10,332 सैंपल लैब विच भेजे जा चुके हैं, जिन्हां विचों 8 कोरोना के मामले पॉजिटिव आए हैं। हुण जिले विच कोरोना के एक्टिव केस 19 हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रजिंदर सिंह ने जिले अंदर आए 8 केसां नूं देखदिआं कहा कि सानूं संभलन की लोड़ है, जिला निवासियों नूं सुचेत रहन, लापरवाही ना वरतन ते सेहत विभाग वल्लों जारी हदायतां ते एडवाइजरियां दी पालना करन दी अपील कीती। अगली खबर दोस्तों, यह स्पैशल ट्रेना हुण रोजाना की बजाय हफ्तावारी चलणगियां, जाणो नवां टाइम टेबल। भारतीय रेल ने देश भर च चलण वालियां कुछ स्पैशल ट्रेना के समय च बदलाव किया है। नाल ही कुछ ट्रेना रोजाना चलाउण दी बजाय हफ्तावारी चलाउण दा फैसला किया है। पूर्व रेलवे मुताबक ट्रेन नंबर 02303 हावड़ा नवी दिल्ली स्पैशल ट्रेन 11 जुलाई तो सिर्फ शनिवार को हावड़ा तो चलेगी, जबकि 02304 नवी दिल्ली हावड़ा स्पैशल ट्रेन 12 जुलाई तो सिर्फ ऐतवार को ही नवी दिल्ली तो रवाना होगी। रेलवे ने दसिया कि हावड़ा तो नवी दिल्ली नू जाण वाली 02381 नंबर की स्पैशल ट्रेन 16 जुलाई तो सिर्फ वीरवार को हावड़ा तो चलेगी। दूजे पासे 02382 नवी दिल्ली हावड़ा स्पैशल ट्रेन
वाया धनबाद 17 जुलाई तो सिर्फ शुक्रवार को नवी दिल्ली तो चलेगी। जिक्रयोग है कि भारतीय रेल इस समय मजदूर स्पैशल ते कुछ स्पैशल ट्रेनों का ही संचालन कर रही है। मजदूर स्पैशल सूबा सरकारां दी अपील ते ही चलाईयां जा रही हैं। रेलवे ने 1 जुलाई तो 12 अगस्त तक नियमित समय निर्धारित ट्रेनों लिए बुक कीतियां गईयां टिकटां नूं रद्द कर दिता है। अगली खबर दोस्तों, सुखदेव सिंह ढींडसा दे प्रधान बनन ते इलाके च खुशी दी लहर। लंबा समा श्रोमणी अकाली दल च सेवा करते रहे मौजूदा राज्यसभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींडसा नूं लुधियाणा विखे वख-वख पार्टियां दे आगुआं वल्लों इकत्तर हो के नवें श्रोमणी अकाली दल दा प्रधान चुनिया गया है। मौके ते मौजूद आगुआं ने खुशी दा इजहार करदिआं कहा कि पंजाब नूं हुण सही अर्थां विच सुखदेव सिंह ढींडसा दी अगवाई विच तीजा बदल मिलेगा। अगली खबर दोस्तों, LOC ते पाकिस्तान वल्लों गोलीबारी, एक औरत दी मौत एक जख्मी। पाकिस्तान वल्लों पुंछ जिले विच पेंदे मंधेर सैक्टर च लाइन ऑफ कंट्रोल दीआं मूरलियां चौंकियां ते पिंडां ते कीती गई गोलीबारी च एक 60 साला औरत दी मौत हो गई है ते एक औरत जख्मी हुई है। पाकिस्तान वल्लों मोर्टार दी वरतों भी कीती गई। अगली खबर दोस्तों, ITBP दीआं 60 कंपनियां LAC ते भेजियां। चीन दे नाल लद्दाख च रुकावट दे मद्देनज़र इंडो तिब्बती बार्डर पुलिस दीआं 60 तों ज़्यादा कंपनियां नूं असल कंट्रोल रेखा ते तैनात किया जा रहा है। अजिहे च नज़दीकी भविख विच इस अर्ध सैनिक बल नूं अंदरूनी सुरक्षा संबंधी काम सौंपे जाण दी उम्मीद नहीं है। अधिकारियों ने मंगलवार नूं कहा कि बल नूं जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय तों 9 नवीं बटालियनां दे गठन की मंजूरी दिते जाने की भी तैयारी है। उन्होंने कहा कि चीन के नाल लगन वाली 3488 किलोमीटर लंबी सरहद के जवानों की गिनती वधाउण दे लई 60 कंपनियों नूं लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम अते अरुणाचल प्रदेश विच सरहद वल जाण नूं कहा गया है। अगली खबर दोस्तों, मौसम बारे। पंजाब च 8% हिस्से च अज रात तो बारिश के आसार। 9 जुलाई तक कई जिलों च भारी मीह पैण की संभावना। मानसून ने उत्तर भारत विच दस्तक दे दित्ती है। अज रात तो मौसम विच वड्डा बदलाव हो सकता है ते लोकां नूं गर्मी तो राहत मिलेगी। मौसम विभाग वल्लों मिली जानकारी मुताबक अगले 2 दिन पंजाब दे 80% हिस्से विच बारिश हो सकती है। पूर्व वल्लों आ रही बदलवाई कारण सूबे दे कई जिलों विच भारी मीह पैण की संभावना होवेगी। सब तो वध बारिश वाले सूबे पटियाला, संगरूर, बरनाला, मानसा, आनंदपुर साहब, रोपड़, लुधियाना, बठिंडा, नवांशहर, हुशियारपुर के गढ़शंकर जिले विच हो सकती है। इत्थे 100 mm तो वध बारिश होने की संभावना है। बाकी रहिंदे जिलों च अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, हुशियारपुर, जलंधर, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिलका, अबोहर, मलोट अते मुक्तसर साहब विच भी हल्के तो दरमियाना मीह टुटवें रूप विच पै सकता है। इन्हां विच्चों भी 2-4 जिलों विच भारी मीह पै सकता है। 10 जुलाई तो बाद भी फिर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अगला मौसम का अपडेट लैके असी जल्द ही हाजिर होवांगे। ये सन जी हुण तक दीआं मुख्य खास खबरां। होर खबरां जानने लई चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो जी ते वीडियो नूं अपने दोस्तां ते परिवार नाल जरूर शेयर करना। धन्नवाद दोस्तों।